अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये प्रॉब्लम नंबर 3.6 है, रिफ्लेक्शन प्रोपेगेशन इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड 4 times। तो देखिए, इसमें जो डेटा हमारे पास गिवन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारे पास आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। तो इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि ये फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर दूसरा उसने लिखा हुआ है कि इन्हें कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, पी की वैल्यू निकालनी हमें, ठीक है। और जो मैग्नीफिकेशन है वो हमारे पास गिवन है, मैग्नीफिकेशन 4 times है, यानी 4 है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। सर, पी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे, एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, ई फार्मूला, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन 4 है तो ये वैल्यू 4 लगा देंगे, और क्यू अपॉन पी आ जाएगा। अब हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4p आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ मिरर फार्मूला भी यूज़ करेंगे, 1/f, मैं इधर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, क्यू की जगह 1/f की वैल्यू हमारे पास 20 है, f की वैल्यू 1/p, और q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4p। ये q की वैल्यू हम इधर से ये डाल देते हैं p के फॉर्म में, ठीक है। तो 1/20 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 4p, इसलिए कि जो p है ये फैक्टर है 4p का। और इसको ज़ाहिर है हम किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से तो इसको भी हम 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 1 = 4 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/20 इज इक्वल टू 5/4p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कम करते हैं तो 4p × 1 = 4p हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 × 20, ठीक है। इस तरह से p इज इक्वल टू 5 × 20 / 4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, p इज इक्वल टू 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर, तो p की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3.6।